नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बेहतरीन शेयर्स के बारे में जिसमें अभी आपको काफ़ी तेजी देखने मिल रहा है। तो जैसे ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो आप इसमें चाहे तो पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशन बना सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं उन स्टॉक के बारे में जो कि ब्रेकआउट देने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा एडवांस एंजाइम। दोस्तों एडवांस एंजाइम का जो मतलब ऑल टाइम हाई है वो है 385 रुपीज़, और देख सकते हैं ये स्टॉक आज काफी ज्यादा मतलब लगभग 10% से भी ज्यादा का तेजी इसमें देखने मिला है। और ये स्टॉक अगर कल भी तेजी यहां पर बनाए रखता है तो निश्चित है कि एक ब्रेकआउट देने आपको एक दो दिन में मिल सकता है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो एक बड़ा मूवमेंटम यहां से आपको देखने मिल सकता है, अगर मार्केट में तेजी बनी रहती है तो आपको इस स्टॉक पर ध्यान देना है। ये स्टॉक मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब ये 300 रुपीज के प्राइस पर था, अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तभी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो रहा होगा। तो काफी बेहतरीन स्टॉक है और देख सकते हैं ये स्टॉक जो है हमारा 200 डे मूविंग एवरेज से काफी ऊपर चल रहा है। उसके बाद दूसरा है IGL। IGL पहले भी हमने बात किया था जब ये 400 के आसपास देखते हैं काफी ज्यादा यहां पर मतलब ऊपर जाता था, फिर नीचे ऊपर नीचे मतलब इसी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा था। और यहां पर जैसे ये 200 डे के मूविंग एवरेज EMA को क्रॉस किया यहाँ पर आपको पोजीशन बना सकते थे। यहाँ से देखते हैं काफी बड़ा मतलब मोमेंटम यहाँ पर देखने मिल रहा है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो आपको और ज्यादा मोमेंटम इसमें देखने मिलेगा। इसका ऑल टाइम हाई है हमारा 540 रुपीज़। 540 को क्रॉस करता है तो फिर एक बड़ा मतलब आपको यहाँ पर तेजी देखने मिलेगा। आज 500 को क्रॉस किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और आज जो इसका तेजी था वो काफी जबरदस्त था क्योंकि पिछले दिन 450 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था। वहां से ये डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये 10% का तेजी, 10% से भी ज्यादा का आज तेजी था इसमें। लेकिन ये क्लोज जो हुआ 10% से ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ। तो अगर आपको एक दो दिन कंटिन्यू रहता है तेजी तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है हमारा MGL है, महानगर गैस लिमिटेड। वो IGL था, इंद्रप्रस्थ था गैस लिमिटेड, और महानगर गैस ये भी काफी मतलब तेजी इसमें देखने मिला। देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक कल जो क्लोज हुआ था 930 रुपीज का पास, वहां से आज देखते हैं 1056 रुपीज जा चुका है, मतलब 15% से भी ज्यादा का तेजी है, 15% से भी ज्यादा का तेजी इस स्टॉक में। और एक दिन और ये कंटिन्यू रहता है तेजी तो अपने ऑल टाइम हाई के करीब ये पहुंच जाएगा जो कि है इसका ऑल टाइम हाई 1250 रुपीज। तो दोस्तों 1250 को क्रॉस करता है एक बड़ा मोमेंटम मतलब एक बड़ा तेजी देखने मिलेगा। ये स्टॉक्स जो IGL है, MGL है, काफी दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा था काफी दिनों से, तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी था कि आप लो लेवल पर बाय कर सकते हैं। देखते हैं ये 800-900 के आसपास ये प्राइस रेंज घूम रहा था और वहां से एक बड़ा मोमेंटम ये देखने मिला है, और अपने 200 डे के EMA पे सपोर्ट लेने के बाद कल आज एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। तो इन सब स्टॉक को आपको ध्यान रखना। अगला है हमारा एमिन्स लिमिटेड। एल्काइल एमिन्स देखते हैं ये भी एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, तो इसमें भी आपको एक लगातार तेजी बना मतलब रह सकता है। तो ऐसे में आप अगर ये 4000 को लेवल को क्रॉस करता है सस्टेन करता है, क्योंकि 4000 लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है कि जो कि हमारा एक क्या है राउंड नंबर है, तो इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आपको पोजिशन बनाना चाहिए। और जस्ट इसके 4000 के नीचे आपको तब स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस यहाँ आपका बहुत छोटा होगा तो काफ़ी मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा इसमें अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए पोजिशन बनाते हैं तो। उसके बाद अगला जो हमारा है नवीन फ्लोरिन, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। नवीन फ्लोरिन यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता है, आज इसमें काफी बहुत बड़ी तेजी थी। देख सकते हैं यहाँ पर पिछले दिन जो क्लोज हुआ था ये 2530 रुपीज़ पर, और आज जो क्लोज हुआ है 2725 रुपीज़ पर। तो यहाँ से जस्ट ये क्रॉस करता है तो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, जहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मतलब एक बहुत बड़ा मोमेंटम आप कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, तो आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं और जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है। ये जो आपका मतलब ब्रेकआउट होगा उसके जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और पोजिशन बना सकते हैं। तो इन सब स्टॉक पे जो ब्रेकआउट दे रहा है आपका स्टॉप लॉस वहाँ काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट फेक होता है मतलब फेक ब्रेकआउट होता है तो आप जस्ट स्टॉप लॉस पर निकल जाएंगे। अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है और ब्रेकआउट कंटिन्यू रहता है तो आपको एक बड़ा मोमेंटम आप कैच कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये 5 स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा, और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी काफ़ी बेहतरीन है। इन सब स्टॉक के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, इंडिविजुअल और IGL MGL इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। ये सारे स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, इन सारे स्टॉक में आप
लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।